हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकना एंड वेलकम बैक टू हैशटैग गुड लाइफ। सो आज है थर्सडे एंड आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है एक प्रोडक्ट रिव्यू। एंड आज का प्रोडक्ट रिव्यू होगा एक बेबी केयर प्रोडक्ट को लेके, सो विच इज़ कॉल्ड अ डाइपर। सो डाइपर एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक हो जाती है फॉर पेरेंट्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कितने टाइम तक डाइपर यूज़ करना चाहिए, हमें कब से डाइपर यूज़ करना चाहिए बेबीज़ के लिए। सेकेंड चीज़ हो जाती है हमारी कि हम किस टाइप के डाइपर्स लें, हमें उसके कॉस्ट पर डाइपर किस तरीके से होना चाहिए, जो मटेरियल है वो किस तरीके का यूज़ है, वो कोई सॉफ्ट मटेरियल है या फिर उसमें थोड़ी सी हार्श है, मतलब वो थोड़ा सा हार्ड है या नहीं। सो उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। पहले तो हम कुछ डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई करते हुए हम वो चेक करते हैं, क्वालिटीज़ कौन सी है, उसमें फीचर्स क्या है, एंड ऑल्सो दैट बेबी कम्फर्टेबल रहे। उसके बाद आ जाता है कि हम ऑनलाइन में देखते हैं हम काफ़ी बार कि ऑनलाइन हमें अलग अलग ब्रांड्स की हमें मिलती है। सो बीइंग अ मदर ऑफ अ 2-year-old चाइल्ड, मैंने बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स मैंने ट्राई किए हैं इन 2 सालों के दौरान, और मैंने सोचा कि ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूँ कि कौन सी ब्रांड अच्छी है, कौन सी ब्रांड ओके है। कुछ 5-6 ब्रांड्स के मैंने डाइपर्स यूज़ किए हैं ऑलरेडी आरसी के लिए। सो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो आगे आप वीडियो में देखते रहिए डिफरेंट ब्रांड्स के लिए। सो बिफोर मैं टॉपिक में आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहती हूँ कि डाइपर का जो है आप यूसेज जो है वो मेन है। भले जो भी ब्रांड्स आप ऑप्ट करें वहाँ पे वो क्लेम करें कि आप डाइपर्स 10 hours 12 hours के लिए बेबी को रख सकते हैं, बट सबसे पहली बात ये है कि आप इतने टाइम तक बेबी को आप डाइपर्स में ना रखें। बेबी को आप डाइपर में हार्डली आप 4-5 hours मैक्स टू मैक्स आप रखें, उससे बेबीज़ के रैशेज होने के चांसेस एंड ऑल वो बहुत रिड्यूस हो जाती हैं। एक सिंगल डाइपर में अगर आप ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो फिर रैशेज के चांसेस हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये भी आती है कि हो सकता है आप 4-5 hours के लिए आप रख रहे हैं बेबी को डाइपर में, बट 2 hours के बाद ही बेबी ने उसमें पूप कर दिया है और आप उसको चेंज नहीं करेंगे तो भी आपकी बेबी को डाइपर रैश हो सकता है। सो वो आप ध्यान पे रखते हुए आप डाइपर्स को यूज़ कीजिए। थर्ड चीज़ ये आती है कि डाइपर को एवरी टाइम आप यूज़ करते टाइम पे आप उससे पहले डाइपर रैश क्रीम लगा ले बेबी को। अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो भी आप उसको एक थिन लेयर ऑफ डाइपर रैश क्रीम लगा दे, सो दैट जो फर्स्ट जो भी यूरिन या पूप जो भी पास करता है बेबी वो डायरेक्टली उनके स्किन को ना लगे। ये नहीं कि आपको रैश हो जा रहा है बेबी का एंड देन उसके बाद आप डायपर रैश क्रीम लगा रहे हैं। सो डायपर के साथ साथ आप डायपर रैश क्रीम को भी आप देखिए कि कौन सा डायपर रैश क्रीम आपके बेबी के लिए बेटर है या नहीं। सो अगर हो सके तो मैं आपके साथ में कोई बेबी डायपर रैश क्रीम के भी आपके साथ में कोई वीडियो शेयर करूंगी। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो बेबी को डायपर रैश बिल्कुल नहीं होगा और साथ में ही आप अपने बेबीज के लिए डायपर्स को आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो पहला जो मैं डाइपर ब्रांड आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है बेला का हैप्पी डाइपर। ये मुझे मिला है फ्लिपकार्ट से। सो ये कुछ इस तरीके का, दिस इज़ नॉट अ डाइपर पैन, दिस इज़ अ नॉर्मल डाइपर जो आपको स्टिक ऑन किया जाता है। सो वो इस तरीके से दिख के आता है एंड उसका इस तरीके से आता है। इसमें कोई भी अलग से क्रिस क्रॉस टाइप की कोई भी फॉर्मूला या इस टाइप का कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जैसा डाइपर का आता है उसी तरीके से है ये। इस तरीके से इसकी ये स्टिक ऑन्स आती है, ये एक साइड का है और इस तरीके से आपको वेलक्रो टाइप की मटेरियल होती है जो आपको लगाना होता है, जो आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। सो इसमें जो है, इसमें आपका ये जो हैप्पी ब्रांड जो बेला ब्रांड का ये जो हैप्पी डाइपर है ये तो मैंने एल साइज़ के लिया हुआ था। सो इसका जो मेन जो प्लस पॉइंट ये है कि आप इसको आसानी से पहना सकते हैं इस तरीके से क्योंकि ये स्टिकॉन है। सेकंड चीज़ ये है कि इसको अगेन डिस्पोज ऑफ भी बहुत आसानी है, आपको उसको टियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको जो वेलक्रो है उसका खोल देंगे आप दैट एंड यू आर गुड टू गो। इसके बाद जो है जो अच्छा लगा हमको वो है ये जो है, भले ही ये वेलक्रो टाइप का है पैंट स्टाइल नहीं है बट स्टिल इसकी ये जो पार्ट है जो साइड लॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसकी जो मतलब इसका जो डिसएडवांटेज बस एक यही है कि इसमें कोई भी अलग से चैनल टाइप की नहीं बनी हुई है। सो ये कभी कभार जब
बच्चा यूरिन हो जाता है उसके बाद में कभी कभी इसमें कॉटन बॉल्स टाइप की होने की चांसेस आ जाती है। एंड सेकंड जो चीज़ें आ जाती है वो है इसकी जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो काफ़ी कम है। इसमें आप मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटे तक ही आप रख सकते हैं अगर आपका बेबी अराउंड 18-24 मंथ्स के आसपास में है, देन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। 1 to 2 आवर्स के बाद में आपको इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बेबी अनकम्फर्टेबल हो जाता है। सो ये मैं अगर रेट करूँगी आउट ऑफ 5, सो दिस आई गिव एज अ 3 रेटिंग, काइंड ऑफ 2.53 रेटिंग के लिए। बट अगर हम इसकी कॉस्ट पर डाइपर जाएं तो इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। इसमें आपको साइज अवेलेबल होगा फ्रॉम एक्सेस टू एक्सेल। सो जो न्यू बॉर्न बेबीज से लेके आपको 1 ईयर के आसपास तक बेबीज के लिए आप आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनकी मूवमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती है। बट फ्रॉम 1 ईयर to 2 ईयर्स के लिए मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी इसको क्योंकि उस टाइम पे बेबीज़ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो कभी कभार ये वेलक्रो खुल जाने के चांसेस हो जाते हैं, जो कभी कभार आशी के साथ में हुआ है। आज का जो मेरा अगला है वो है ये बिलियन का एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब डाइपर पैंट। ये भी मुझे फ्लिपकार्ट से मिला है, फ्लिपकार्ट में ये अवेलेबल है, ये फ्लिपकार्ट का ओन प्रोडक्ट है। सो इसका जो है ये है इस तरीके का था, ये मैंने एल साइज़ लिया था और इसमें भी आपका जो साइजेस अवेलेबल होती है वो है फ्रॉम एस टू एक्सेल। सो इसमें न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होगा, आफ्टर बेबी आर मोर देन 4 kgs, 5 kgs के अबव है उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड टिल द बेबी इज 17 kgs एंड ऑल, टिल दैट टाइम यू विल गेट बिलियन का ये प्रोडक्ट। सो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसमें आपका ये फ्रंट एंड बैक ये इंडिकेट करके देते हैं इस तरीके की, इसमें प्रिंट बनी होती है एंड जो बेबीज़ के लिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट वाली होती है कि इसमें स्टार्स एंड मून्स एंड अलग अलग चीज़ें जो बनी हुई है वो उनके लिए एक्साइटमेंट होती है। सो दैट इज़ वन केस। सेकेंड थिंग इज़ इसका जो ये है ये मुझे थोड़ा सा मुझे टाइट लगा इन कम्पेयर टू अदर जो भी ब्रांड्स की मैं लेती हूँ उसके कंपेयर में, बट इसकी जो ये वाली पार्ट है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। एंड ये वाला पार्ट भी सॉफ्ट है बट जो इस ये जगह की जो जो विथ है वो मुझे उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी। सो इन दैट केस इसमें ये थोड़ी सी इसकी डिसअपॉइंटमेंट है। सेकेंड जो डिसअपॉइंटिंग जो थोड़ी सी चीज़ है वो ये कि इन कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, अगर आप अदर ब्रांड्स में एल यूज़ कर रहे हैं देन इसमें आपको एक्सेल यूज़ करना पड़ेगा, उस हिसाब से इसकी जो साइज़ है वो छोटा होता है। इसकी जो एब्जॉर्बिंग पावर है अगेन इसमें कोई भी क्रिस्क्रॉस चैनल्स या इस तरीके का नहीं है, ये नॉर्मल है। सो अगेन इसमें थोड़ा सा कॉटन टाइप के बॉल्स होने की कभी कभी चांसेस होती है बट हमेशा नहीं होता है। बट एज पर कॉस्ट पर डाइपर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये काफ़ी अफोर्डेबल है। सो आप इसको कॉस्ट पर डाइपर, जस्ट आपको ध्यान देना है कि आप एक साइज़ ज़्यादा लें, जो भी आप बेबी के लिए यूज़ करते हैं उस हिसाब से आप एक साइज़ ज़्यादा लें एंड आप टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहें। ये इसकी एब्जॉर्बिंग पावर अराउंड 2 to 3 आवर्स के आसपास तक हो जाएगा एंड जनरली हम डाइपर्स इसी टाइम ड्यूरेशन में हम चेंज करते हैं। सो इट इज़ फाइन, काफ़ी अफोर्डेबल भी है एंड ऑल्सो यू कैन बाय दिस। सो इसका मैं अगर आउट ऑफ 5 रेट करूँगी देन आई विल रेट इट एज 3.5 to 4 के आसपास तक। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो है ये कम्फी डाइपर पैंट्स। ये मुझे मिला है अमेजोन से। ये कम्फी की जो पैंट आती है, डाइपर पैंट आती है, वो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है इसका ये पार्ट। ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल एंड इस तरीके की सॉफ्ट मटीरियल आती है इसकी। इसमें जो है इसकी इस तरीके की कोई क्रिस क्रॉस एज सच तो चैनल बनी हुई नहीं है, पार्ट के अलावा ये भी पार्ट है, तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रिप करके रखता है, अंदर से लीक होने की चांसेस बहुत कम होती है इसकी। सो दिस इज़ वन गुड थिंग अबाउट दिस डाइपर पैंट। एक थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें ऊपर में जब जो आगे एंड पीछे जो टमी साइड एंड हिप साइड के जो एरियाज में हैं, इस साइड में यहाँ पे ऊपर जस्ट एक पतला सा पेपरिश टाइप दिया हुआ है। सो इन दैट केस अगर जैसे बेबी का लीकेज होने के फ्रॉम अप या फिर बैक के साइड से ये थोड़ा सा चांसेस हो जाती है लीक के लिए, बिकॉज इसका जो मेन जो पार्ट है वो थोड़ा सा नीचे से यहाँ से स्टार्ट होता है। सो दैट इज़ द
डिसएडवांटेज, तो इस वजह से इसको 3.5 की रेटिंग मिलती है आउट ऑफ 5। अदरवाइज ये बहुत ही कंफर्टेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल आता है, एंड अगर आप साइज़ वाइज देखेंगे तो साइज़ वाइज देखते हुए आप ये श्योरली इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये था मेरा आज का पार्ट वन का वीडियो। सो और 3 डायपर ब्रांड्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, वो डायपर ब्रांड्स आपको मैं पार्ट टू में शेयर करूँगी। आप देखते रहिए हमारे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो दैट आप और मैं हमेशा बने रहें।